नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको चिकनगुनिया की बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिकनगुनिया ये बीमारी एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी चिकनगुनिया वायरस की वजह से इंसानों में होती है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में मस्कीटो बाइट की वजह से होती है। यूजुअली मस्कीटो बाइट के 4 से 8 दिनों के बाद इसके सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं। चिकनगुनिया के सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, बहुत ज्यादा थकान और वीकनेस महसूस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स चिकनगुनिया से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। चिकनगुनिया अगर किसी में डायग्नोस हो चुका है तो उन्हें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन बाकी वायरल फीवर्स की तरह ही चिकनगुनिया के फीवर में भी अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छी मात्रा में अगर आप पानी पीते हैं तो शरीर में से वायरस फ्लश आउट होना काफी आसान हो जाता है। आप पानी फ्लूइड इंटेक किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ज्यादा पानी पी के या फिर कोकोनट वाटर पी के, सूप पी के आप अपना फ्लूइड का कंटेंट ज्यादा रख सकते हैं। अगर आप फ्लूइड का कंटेंट ज्यादा रखते हैं तो वायरस काफी आसानी से और काफी जल्दी से शरीर में से फ्लश आउट हो जाता है। चिकनगुनिया के पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी खाना खाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन काफी अच्छी मात्रा में करना चाहिए। चिकनगुनिया के पेशेंट्स को विटामिन सी का कंजम्पशन काफी हाई मात्रा में करना चाहिए। विटामिन सी नींबू, संतरा ऐसे कुछ सिट्रस फ्रूट्स में से हमारे शरीर में मिलता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंजम्पशन इन लोगों को अच्छे खासे मात्रा में करना चाहिए। इसकी वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से चिकनगुनिया से रिलेटेड जो जॉइंट पेन होते हैं उसकी इंटेंसिटी हल्की कम हो सकती है। एट द सेम टाइम चिकनगुनिया के पेशेंट्स को प्रोटीन कंजम्पशन अच्छा रखना चाहिए। प्रोटीन दालों के द्वारा इन लोगों में जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ नट्स जैसे कि वॉलनट, आलमंड इसके द्वारा ये लोग कंज्यूम कर सकते हैं और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने शरीर में ले सकते हैं। चिकनगुनिया के पेशेंट्स को ज्यादातर शुगरी फूड्स को पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। जितना हो सके उतना शाकाहारी खाना खाना चाहिए। जितना हो सके उतना स्पाइसी खाना अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, घर का सात्विक खाना खाए। चिकनगुनिया के पेशेंट्स को ऑयली और फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए। मीट कंजम्पशन मिनिमम रखना चाहिए। अगर ये लोग फिश कंज्यूम करना चाहते हैं तो कुछ फिशेस जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की कंटेंट ज्यादा हो जैसे कि मैकरल, सैल्मन ऐसे फिशेस को कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, थोड़ी घट जाती है। इसीलिए जितना हो सके उतना फ्रेश फूड कंज्यूम करें। अल्कोहल और स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करें। इन लोगों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स काफी अच्छी मात्रा में कंज्यूम करने चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खास तौर पर काऊ यानी कि गाय का दूध होना चाहिए। मिल्क की वजह से यानी कि गाय के दूध की वजह से चिकनगुनिया की वजह से होने वाले कई सिम्टम्स काफी हद तक रिलीव हो सकते हैं। चिकनगुनिया की बीमारी के अगेंस्ट अब तक कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। चिकनगुनिया के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ये ही चिकनगुनिया के अगेंस्ट एक अच्छा खासा डिफेंसिव मैकेनिज्म है।
लेकिन अगर आप में चिकनगुनिया से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो जल्द से जल्द चिकनगुनिया की टेस्ट करवानी होती है, और ये टेस्ट एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।